हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डीटीजी यानी कि दार्जिलिंग टूर गाइडलाइन। मैं कैलाश देवान यहाँ एक लोकल टूर ऑपरेटर हूँ और हम दार्जिलिंग गैंगटॉक सिक्किम नॉर्थ सिक्किम कालिम्पोंग मिरिक कर्सियंग का संदकपू ट्रेकिंग डे हाइक बाइसाइकिल टूर रिवर राफ्टिंग रिवर कैंपिंग और भी बहुत सारे टूर ऑपरेट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लेटेस्ट दार्जिलिंग टूरिज्म न्यूज के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही जानकारी के लिए और मजेदार वीडियो के लिए कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए अगर वो प्लान कर रहे हैं दार्जिलिंग के लिए, ताकि वो भी यहाँ पे क्या क्या अभी चल रहा है, क्या हो रहा है, सभी माहौल के बारे में वो भी जान सके। आइए हम आज के इस न्यूज के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम दार्जिलिंग के वेदर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते से दार्जिलिंग का वेदर काफी खराब है। यहाँ पे ज्यादा फॉगी है और ठंडा भी बहुत है। हालांकि इस वक्त इतना ठंडा नहीं होना चाहिए मगर बहुत ज्यादा ठंडा है। और हमें जानकारी मिली है कि संदकपू पर बहुत बड़ी बर्फबारी हुआ है अभी और नॉर्थ सिक्किम पर भी बहुत बड़ी बर्फबारी हुआ है। आप जितना भी हिमालय रेंज देखेंगे माउंटेन के आजू बाजू में बहुत सारे स्नोफॉल देखने को मिला है, तो इसी वजह से दार्जिलिंग पर थोड़ा ठंडा बढ़ गया है। अभी टेम्परेचर देखें तो 7-8-10-12 तक जा रहे हैं और अगर ऐसे ही ठंडा हुआ तो और भी नीचे जा सकता है। और ये हालांकि मार्च में ऐसा नहीं होना चाहिए मगर ठंडा बहुत है और संदकपू पर और हिमालय माउंटेन रेंज पर बहुत ज्यादा स्नो भी देखने को मिला है। अभी बात करेंगे टूरिज्म अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दार्जिलिंग एक छोटा सा जगह है मगर बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पर लोग देश विदेश और भारत के विभिन्न जगह से यहाँ पे अपना छुट्टी हॉलीडे मनाने के लिए आते हैं। और ये दार्जिलिंग शूटिंग के हिसाब से भी बहुत मजेदार है। काफी मूवीज शूटिंग हुआ है जो आने वाले दिन में हम वन बाय वन इसके बारे में भी एक वीडियो लेके आएंगे। और अभी दार्जिलिंग पर टूरिस्ट का आना जाना बहुत हो गया है। अभी मार्च शुरू हो गया है तो मिड मार्च से और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे में अप्रैल मई और जून आप लोग जानते हैं, अगर आप सीजन ऑफ सीजन के बारे में नहीं जानते तो हमारा एक कंटेंट है ऊपर आई बटन वाला क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो आप देख सकते हैं सीजन और ऑफ सीजन का। पे अभी मिड मार्च से फिर मिड जून तक सीजन शुरू हो जाता है तो ऐसे में होटल मिलना गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो चार्जेस भी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप इसी टाइम पर आप प्लान कर रहे हैं तो अभी से आप अपना टिकट्स ट्रेन का फ्लाइट का टिकट्स बुक कीजिए क्योंकि मिलना मुश्किल हो जाता है। और रिटर्न का और आने का सभी दोनों का टिकट आप कर लीजिए। अगर फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं तो दार्जिलिंग सिक्किम के लिए तो अभी से आपका होटल टैक्सी आप बुक कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि दार्जिलिंग छोटा सा जगह है तो उतना ज़्यादा होटल और गाड़ी सड़के नहीं है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो इसी में चार्जेस भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अभी से बुकिंग कीजिए। अगर आप कहाँ से बुक करना है आप अगर सोच रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम भी होटल सर्विस टैक्सी सर्विस सभी प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, टूरिज्म अभी बहुत ज़्यादा है, ये सीजन टाइम बहुत बढ़िया रहता है, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, आप इस टाइम प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं G20 समिट के बारे में जो दार्जिलिंग पर भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि इस साल G20 का जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो भारत के पास मिली है और इसमें जो 20 पावरफुल कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं और भारत के विभिन्न जगह पर ये समिट हो रहा है, महाराष्ट्र विभिन्न जगह पर, तो एक जगह दार्जिलिंग को भी चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, आप इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि दार्जिलिंग कितना फेमस और कितना सिक्योर जगह है क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं तो ऐसा ही नहीं करते समिट, पहले लोकेशन दिखा जाता है क्या है उसमें कैसे किया जाता है तभी यह फाइनल होता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले महीने अप्रैल 3rd वीक 4th वीक पर दार्जिलिंग पर G20 का समिट हो रहा है, तो ऐसे में ट्रैफिक का रुक जाना आम बात हो सकता है। आप अगर उस वक्त घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है ट्रैफिक की वजह से। जी हाँ दोस्तों, मगर ये दार्जिलिंग के लिए काफी अच्छे समय है क्योंकि देश विदेश से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और टूरिज्म संबंधी क्या क्या हो सकता है और क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं वो आके आप वो देश विदेश में जाएंगे, तो हमें ये खबर जानकारी मिली है कि अप्रैल
ये 3 अप्रैल पर आने वाले नेक्स्ट मंथ 3 अप्रैल पर ये मीट समिट यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे में दार्जिलिंग का टूरिज्म और बढ़ सकता है और इस हिसाब से भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि दार्जिलिंग टूरिज्म के हिसाब से कितना फेमस है, देश विदेशी यहाँ पे लोग आते हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, अगर समिट का आप हिस्सा होना चाहते हैं, तो आप भी दार्जिलिंग का टूर उस समय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ हम फिर आपके पास वापस आएंगे। सिर्फ आज के लिए गुड बाय।